ये चेक करें कितने प्यारे जो है डेकोर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे होम डेकोर के लिए। ये गुलदान वगैरह भी पड़े हुए हैं बहुत ही जबरदस्त। ये चेक करें कितने प्यारे टॉयज वगैरह की शॉप है, ये कुछ गारमेंट्स वगैरह की भी शॉप्स हैं। तो इस तरह से हम चलते हैं, इधर से हम आपको एक और जो है आगे कुछ इधर कुछ भी आपको जिंदगी की कुछ भी चीज चाहिए ना, तो जो फैसल टाउन वाले या मॉडल टाउन वाले हैं ना भाई, वो तो इजीली आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ताहिर सरकार जफर, और मेरे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल अब्दुल हादी। कैसे हैं आप अब्दुल हादी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं एवरीवन? उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं फैसल टाउन के इलाका में, और फैसल टाउन के इलाका में मौजूद है इंटरनेशनल मार्केट, जो कि कहा जाता है कि बहुत पुरानी मार्केट है, और इसके बारे में अब्दुल हादी भी हिस्ट्री कुछ बताएंगे। तो चलें, मैं और अब्दुल हादी आप लोगों को एक्सप्लोर करवाते हैं और दिखाते हैं कि इस मार्केट में क्या क्या मिलता है। चलें अब्दुल हादी। जी जी बिल्कुल चलें। कैसे हैं आप? दोबारा से आप सबको कहूँ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी तरफ से सब प्यारे मुसलमानों को दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट कहा जाता है कि 1961 से लेके 1966 के दरमियान में जो है इसकी बुनियाद रखी गई, और इसकी बुनियाद जो है वो रखी थी बंगालियों ने आके। आपको पता होगा कि जैसे आप इधर से देखें बैक साइड से, तो इसके ना जो बैक साइड पे जो है ना एलडीए के फ्लैट्स हैं, तो वो जो एलडीए के फ्लैट्स है ना वो बैक साइड के ऊपर उन उधर जो बंगाली आके बसे थे उनके लिए जो थी, इन्होंने ये इंटरनेशनल मार्केट जो है एक मिनी मार्केट बनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने हर चीज जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई थी। क्लॉथ्स हो गए, खाने पीने की चीजें हो गई, मतलब काफी ज्यादा इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट के अंदर उनकी सहूलत के लिए हर चीज बनाई थी। क्योंकि उस दौरान में आपको पता है कि ये जो एरियाज थे ये इतने ज्यादा डेवलप्स नहीं थे, बैकवर्ड से बहुत ज्यादा, लेकिन माशाल्लाह आज तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो हम पूरा एक रिव्यू करवाएंगे आपको, पूरी दिखाएंगे मार्केट्स के यहाँ पे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैक साइड के ऊपर, ये देखें कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं, यहाँ पे लोग फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, जूस के स्टॉल्स हैं अंदर जो है। तो चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ एक प्रॉपर व्लॉग इसका, और आपको पूरा इसका रिव्यू दिखाऊंगा मार्केट का, इंटरनेशनल मार्केट का, कि यहाँ पे क्या क्या है। ये देख सकते हैं अभी सारा बैक पे आप चेक करें। मौला जट दही भले भी हैं। अच्छा सॉरी, मलाई दही भले हैं। अच्छा, मलाई दही भले हैं जी, नाम इनको पढ़ने में जो है मिस्टेक हो गई थी। ये मैं अभी जो आपको रिव्यू करवा रहा हूँ, ये जो है सारी वो वाली मार्केट है, फूड स्ट्रीट कहलाती है ये। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे सारे जूस जूस कॉर्नर मौजूद है, खाना पीना बड़ा मौजूद है जी। मैं जरा क्लोज जाता हूँ, क्लोज जाके जो है मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसकी फर्स्ट गली है जहाँ पे ये पीकोस वगैरह वाली सारी शॉप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे कढ़ाई वगैरह भी हो रही है, और ये पीकोस की सारी शॉप्स हैं, ये चेक कर सकते हैं अंदर। ये लेसों वाली वगैरह भी सारी शॉप्स हैं, इस तरफ अजीज जितना भी जाएंगे सारी ये पीकोस की ही शॉप्स हैं। ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे एम्ब्रॉयडरीज के जो है यहाँ पे सूट लगे हुए हैं, और ताहिर भाई कहीं जरा पीछे रह गए हैं। ये देखें यहाँ पे क्रॉकरीज के भी कुछ स्टॉल्स वगैरह जो है वो लगे हुए हैं, और मजीद आगे जाएंगे इधर अंडरग्राउंड्स की तरफ भी हैं, ये देख सकते हैं आप। ये एक गली है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी ही पीको वाली मार्केट्स है यहाँ पे, ये सारी ही पीको वाली मार्केट्स है। एक्सक्यूज मी, ये देख सकते हैं आप इधर ताई भाई फिर पीछे कहीं रह गए, ये आपके प्यारे भाई जो है पीछे आ रहे हैं, बहुत ही पीछे रह गए हैं। ये सारी ही जो है एक एम्ब्रॉयडरी की ब्राइडल ड्रेसिंग वगैरह, ये इधर देखें ब्राइडल ज्वेलरी वगैरह भी है, ये इधर कुछ स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, ये इधर बड़े ही प्यारे ये स्टॉल्स लगे हुए हैं लेडीज के। ये फिर मोबाइल्स के पाउचेस वगैरह की शॉप्स है, ये भी इधर कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, और ये मजीद फिर एक क्रॉकरी का स्टॉल आ गया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और फिर ये फिर से लैसों वाला, ये जो मैंने आपको दिखाया है इधर सारी ही ये कुछ वॉचेस वगैरह वाली सारी यहाँ पे आ गई है, और ये फिर एक बच्चों पोनी वगैरह का स्टॉल्स आ गया है, ये दुपट्टों वगैरह का स्टॉल्स आ गया है। और यहाँ से जो है अब हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ,
ये बाहर एक सारा जो है स्टॉल आ गया। मैं आपको जरा बैक साइड से जूम करके दिखाता हूँ, ये चेक करें, यहाँ से एंटर होंगे और ये सारी जो है ये इंटरनेशनल मार्केट का स्टार्ट है जो मैंने आपको एक दिखाया। ताहिर भाई आपको क्या हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं आप? नहीं, मैं मार्केट देख रहा हूँ और इंटरनेशनल लेवल की बाकी बड़ी मार्केट बनी हुई है और काफ़ी सारी जो चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही हैं। लोगों को मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे रिहायशी हैं तो बड़ी आसानी होगी, यहाँ पे सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। चलें जी आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या जो है मौजूद है। अच्छा जी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये कुशन्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, और ये कुछ यहाँ पे लगे हैं, और आगे एक बहुत बड़ी शॉप है जो डेकोर की शॉप्स है, आप ये चेक कर सकते हैं, काफी ज्यादा बड़े लेवल के डेकोर शॉप्स है ये। ये चेक करें कितने प्यारे जो है डेकोर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे होम डेकोर के लिए। ये गुलदान वगैरह भी पड़े हुए हैं बहुत ही जबरदस्त। ये चेक करें कितने प्यारे फ्लावर्स जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये भाई ने लाइट्स जला दी हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि आप प्यारे व्यूवर्स को जो है अच्छी तरीके से नजर आ सकेगा। ये चेक करें, ये चेक करें, ये देख के किसी को कुछ याद आया तो वो भी देखें। ये ताहिर भाई आ रहे हैं आगे, जो चुप करके आ रहे हैं। अब ये जी मैं बताइए चुप आप, करके नहीं आ रहा, मैं चीज़ें देख रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत चीज़ें लगी हुई हैं, बड़ी अच्छा डेकोरेशन को लेके जो है ना यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। तो जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की या घर से जो आपको डेकोरेशन जो भी आपने करनी है तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत फ्रेम्स, कितने खूबसूरत शीशे पड़े हुए हैं यहाँ पे। इसी तरीके से ये कितने अच्छे खूबसूरत ये जो पौधे हैं, आप घर में इनको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, प्लास्टिक के हैं तो ये आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो है ना बहुत सारी यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन से क्लॉक्स भी अवेलेबल हैं तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो है ना डेकोरेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बड़ी अच्छी असॉर्टमेंट है यहाँ पे। हाँ जी अब्दुल हादी, कैसे लगी आपको ये शॉप? ये देखें एक ही शॉप के अंदर इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि देखते रहिए आओ देखो पाकिस्तान, क्योंकि आओ देखो पाकिस्तान आपको ऐसी ही आपके ही इलाके में एक छोटी सी शॉप दिखाता है, एक छोटे से ऐसी मार्केट दिखाता है जहां से आप देख सकते हैं। ये देखें कितनी ही प्यारी, ये कितनी नफासत से इतनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन जो है ये बनी हुई है। ये देखें कितना प्यारा है, एक पूरी दुनिया का नक्शा बना हुआ है, ये कितनी प्यारी ही जो है चीजें। चले आए मेरे साथ जो है, हम आपको आगे बकाया दिखाते हैं कि और मजीद मार्केट्स के अंदर जो है क्या क्या अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट्स में। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा अल्लाह का घर बना हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है। ये देखें ये मुझे लगता है ये हाथी दांत का बना हुआ है, और ये कितना प्यारा नफासत से जो है इन्होंने बनाया, और ये मुझे लगता है कि ये वुड का जो है इन्होंने बनाया हुआ है, और ये बहुत ही प्यारा मुझे लगता है कि सेट है। और ये देखें कितने प्यारे डेकोरेशन फ्लावर्स हैं, और ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं देखने में कि जैसे बिल्कुल ही ओरिजिनल है। तो चले मेरे साथ आगे मार्केट में देखते हैं कि और इस तरह की मजीद कितनी शॉप्स हैं, और हम कौन कौन सी शॉप्स को आगे कवर करते हैं, कट करते हैं। ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो है ये कुछ कपड़ों वगैरह की वैरायटी है, फिर एक पीको की जो है शॉप आ गई है, इसी तरीके से ये लहसुन वगैरह की भी यहाँ पे शॉप है, ये आप देख सकते हैं। और मजीद जो है मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, आगे आपको दिखाऊंगा कि और कौन कौन सी यहाँ पे शॉप्स हैं। ये कुछ दुपट्टों वगैरह का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें ये जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल, ये शेरो शायरी वाले ये दुपट्टे शेरो शायरी वाले बड़े दुपट्टे चल रहे हैं आजकल, बड़ा ट्रेंड। और मैं मजीद आगे जा रहा हूँ, आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये अब जो है हम इस तरफ को टर्न ले रहे हैं, अगर आप इस तरफ से आएंगे तो ये आगे सारी जो है इस तरफ फिर एक शॉप आ जाएगी। इधर से नीचे भी जाते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको, अभी मैं जो गलियों का राउंड है ना मैं आपको वो करवा रहा हूँ, नीचे भी जाऊंगा, नीचे भी जाके आपको दिखाऊंगा कि नीचे भी क्या क्या चीजें हैं। ये फिर दुपट्टों वगैरह की स्टॉल आ गई, लेसों का आ गया, ये ब्राइडल लेसेस आ गई है, फिर इधर पीको हो रही है, फिर दुपट्टों की स्टॉल्स। मतलब अभी तो रश नहीं है, लेकिन ईद के दिनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है। ये चेक कर सकते हैं, ये इधर भी चेक कर सकते हैं। ये देखें कितने प्यारे दुपट्टे हैं अंदर, और ये फिर दुपट्टों की शॉप्स आ गई हैं। ये कुछ लैसें और पीको की शॉप्स आ गई हैं, फिर ये शूज वगैरह की यहाँ पे शॉप्स लगी हुई हैं। ये ताहिर भाई जो है आपके बेचारे पीछे रह जाते हैं,
ये आगे नहीं आते हैं। गली इतनी सारी है ना, तो इस वजह से भैया तो एक ही या मतलब कि टू वे ट्रैफिक गुजर सकती है या फिर बंदा सिंगल सिंगल करके गुजरे जहाँ पे रश आता है। अच्छा जी, वो कहते हैं जी रश आता है तो वहां से ये चेक कर सकते हैं। ये कैचर्स वगैरह का बच्चों के लिए काफी ज्यादा प्यारा स्टॉल है। ये चेक करें कितने प्यारे प्यारे कैचर्स पड़े हुए हैं। देखिए ना, कहते हैं ना एक ही घर के नीचे क्या कहते हैं जो आजकल ग्रोसरी स्टोर्स हैं, एक छत तले जी, एक छत के तले सब कुछ है। तो मैं कहता हूँ एक मार्केट के अंदर, एक मार्केट उसी का नाम है कि आप एक मार्केट में जाएं जो जहां उस मार्केट में आपको हर चीज मिल सके। तो यहाँ पे सुई से लेके मुझे लगता है हवाई जहाज सब मिल जाएगा। तो एक और गली है जो है हम उसको कवर करते हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ। आई डोंट नो ताहिर भाई को क्या हुआ है, वो कहते हैं जी मैंने लेग पीस खाने हैं, तो लेग पीस की वजह से उनका थोड़ा मुंह बना हुआ है। बट आपको मैं साथ साथ मार्केट भी दिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम एक एक शॉप में कोशिश करेंगे कि आपको जाके प्रॉपर दिखा सकूं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी ये भी कोशिश होगी कि वीडियो लेंथी ना हो, हम दो तीन पार्ट में बनाए। अब आगे एक और मजीद स्टॉल आ गया, मैं आपको स्टॉल पे दिखाता हूँ। उस पर कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी जो है पड़ी हुई है, पौनियाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं। इसी तरह ये अब ईद का सीजन है तो ये सारी जो है बैंगल्स वगैरह पड़े हुए हैं। वो टॉयज वगैरह की शॉप है, ये कुछ गारमेंट्स वगैरह की भी शॉप्स हैं। तो इस तरह से हम चलते हैं, इधर से हम आपको एक और जो है आगे कुछ इधर शॉप्स हैं वो भी आपको कवर करता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये फिर मजीद जो है पीछे रह गए हैं, ये एक और स्ट्रीट आ गई है। ये देखें कितनी प्यारी ज्वेलरी है, इधर गोल्ड्स वगैरह की भी शॉप्स हैं, ये देख सकते हैं। ये फिर एक मजीद एक शॉप आ गई है, ये फिर पौनी कैचेस वगैरह की ज्वेलरीज की सारी शॉप्स हैं। ये सारी आप देख सकते हैं मार्केट। ये जी बड़े प्यारे खुसे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जरा देखिएगा ये कितने प्यारी वैरायटीज लगी हुई हैं। ये सारी गली है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आएंगे आपके साथ आगे ताहिर भाई, वो आपको गाइड करें। ये जी बड़े प्यारे से भाई बैठे मोबाइल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एक ये भी ज्वेलरी की शॉप है, एक स्ट्रीट यहाँ पे है, ये शायद हमने कवर की है, नहीं की है कवर हमने। तो हम इस तरफ आगे जाते हैं, देखें कितने प्यारे जो हैं दुपट्टे हैं। ठीक है, ये एक लहसुन की शॉप है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है, बैक साइड पे आप देख सकते हैं, मतलब हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। जिसको कहते हैं ना कि अगर लेडीज की जितनी भी वैरायटीज है ना, ये यहाँ पे जो है मिल जाएंगी। बेसमेंट्स भी हैं, बेसमेंट्स में भी मैं आपको लेके जाऊंगा। ये इतने प्यारे एम्ब्रॉयडरीज के सूट्स हैं, ये चेक करें, ये फिर से लैसे आ गए हैं। तो ये आगे जो है स्ट्रीट जो ये वाली खत्म हो रही है, आर्टिफिशियल लैस आ गई यहाँ पे, ये चेक करें, ये भी सारी आर्टिफिशियल लैस आ गई है। ये सॉरी बैंगल्स वगैरह कितने प्यारे हैं। यहाँ पे ये स्ट्रीट जो है खत्म होती है, अब अगली स्ट्रीट ये देखें कितने प्यारे जो है सूट्स वगैरह लगे हुए हैं। अब हम इस तरफ बाहर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ताहिर भाई फर्स्ट टाइम आए हैं, ये देखें एक मोबाइल की शॉप है। मतलब कुछ भी आपको जिंदगी की कुछ भी चीज चाहिए ना, तो जो फैसल टाउन वाले या मॉडल टाउन वाले हैं ना भाई, वो तो इजीली आ सकते हैं। अब्दुल हदी, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि यहाँ से हवाई जहाज भी मिलता है, तो वो टॉयज वाला जी, जैसा कि मैंने बताया यहाँ से हवाई जहाज भी मिलता है, तो वो टॉयज वाला ही होगा। अब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ और आपको जो है कोशिश करता हूँ कि बकाया जो एरियाज रह गए हैं उनको कवर करूँ, उनको दिखाऊं आपको। तो चले मेरे साथ, देखते रहे, स्किप करके वीडियो ना देखा करें। अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने आपको क्या दिखाया है, कहाँ पे क्या गाइड किया है। तो पाकिस्तान कहते हैं ना कि लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ कि उनको पाकिस्तान से उठा के बाहर फेंक दे। मैं सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत कुछ है, बड़ी खूबसूरत जगह है। मेरे कुछ फैमिली ऐसे मेंबर्स हैं जो बाहर कहते हैं, बाहर जाके कहते हैं जी पाकिस्तान में ये नहीं तो वो नहीं। मैं कहता हूँ तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हर कुछ है, सिर्फ आपको ढूंढने से तो अल्लाह भी मिल जाता है। मैं सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल ठीक बात है। तो हम ढूंढते नहीं, हम देखते नहीं, हम उठा कहते जी पाकिस्तान में नहीं है। अब मैंने आपको मार्केट का एक हिस्सा दिखाया है, ठीक है, उस एक हिस्से के अंदर हर चीज है। अगर यहाँ पे खवातीन जाती हैं एक सूट लेके उसकी लैस देखने, तो वो ऊपर से नीचे दुपट्टा, उसका सूट, उसकी जूती, उसकी लैस, पीको, हर चीज हो जाएगी।
तो मौजे हैं भाई, और इनको बनाने वालों का जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, किस तरह बनी, सुनने में तो यही आया था कि जहां तक मैंने सुना है 1961 से लेके, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1660 के दरमियान में इसकी बुनियाद रखी गई थी। अब अल्लाह आगे बेहतर जानता है कि इसका क्या मकसद था बनाने का, क्या नहीं था, किस तरह, लेकिन सुनने सुनाने में यही कहानियां गर्दिश करती हैं कि ये सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाई गई थी कि जो लोग बांग्लादेश जब अलग हुआ था तो वो पाकिस्तान का एक हिस्सा, वहां वाले लोग जो यहाँ आए थे हिजरत करके, उन लोगों के लिए बनाई गई थी, क्योंकि LDA फ्लैट उन्हीं लोगों के लिए बनाए गए थे। तो देखते रहिए, आओ देखो पाकिस्तान में। वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए अगले पार्ट बनाऊंगा, आपको इसका अगला पार्ट दिखाऊंगा, ताकि जो इसकी बेसमेंट्स हैं, जो उसके बाकाया एरियाज हैं, उनको कवर करूं, उनको आपको दिखाऊंगा। तो ताहिर भाई तो चुप हैं, ये मुझे लगता है अक्सर वीडियोस में शायद चुप ही रहेंगे, मुझे नहीं पता क्यों चुप है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, एरियाज देख रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हासिल कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, और मुझे बड़ा मजा आया यहाँ पे चीजें देखे। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, तो अब्दुल हादी ने सारी एक्सप्लोर किया, सबको हिस्ट्री बताई, और हमें दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा मैं आपको बता दूं, सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल है, ये आप देख सकते हैं मेरे बैग पे, यहीं से आपने इन होना है और इस रोड से चलते हुए जाएंगे तो ये लास्ट में अगर आप जाएंगे तो स्ट्रीट फूड आ जाएगी इधर साथ, ये सारी जो है इसके बैग पे आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट है सारी।